बच्चों, अभी आपने एक प्रमेय के रूप में यह सिद्ध किया कि किसी समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी उसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक जोड़ा आपस में बराबर होता है। ये अभी आपने सिद्ध किया। यदि इसकी उल्टी बात कही जाए, यदि आपको ये दिया जाए कि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं हैं बराबर हैं, तो क्या वो चतुर्भुज भी समानांतर चतुर्भुज होगा? ये एक सवाल है जिसे हम यहाँ पर पहले वाले प्रमेय के विलोम के रूप में देखते हैं, और इसे हमने क्रमांक दिया है 11.3। यहाँ पर एक कथन है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तो चलिए देखें, इस कथन को हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। और आप देख रहे हैं कि आपके सामने चतुर्भुज ABCD बना हुआ है। इसके बारे में केवल एक चतुर्भुज कह रहा है, यह नहीं कह रहा है कैसा चतुर्भुज है। केवल एक चतुर्भुज है जिसमें एक गुण है कि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, और हमें दिया है कि इस चतुर्भुज में आमने सामने के भुजाओं के जोड़े बराबर हैं, यानी AB बराबर DC और AD बराबर BC ये हमें दिया हुआ है जो इस कथन में मौजूद है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आइए, जिस तरह से हमने पहले रचनाएं की थी ठीक उसी तरह से एक और रचना करते हैं। हम इस चतुर्भुज का एक विकर्ण खींचते हैं जिसे AC हम कहेंगे। तो हम बिंदु A और बिंदु C जो चतुर्भुज के शीर्ष हैं इन्हें आपस में मिला दें। ये हमने एक कटी हुई लाइन से, कटी हुई रेखा से A और C को मिलाया जो एक विकर्ण AC की रचना करता है। जैसे ही हमने विकर्ण AC खींचा, वैसे ही ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बट गया। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देखें, क्या यह त्रिभुज सर्वांग सम है? यदि आप इसे सर्वांग सम सिद्ध करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, और संगत कोणों के आधार पर आप सिद्ध कर पाएंगे कि यदि संगत कोण एकांतर कोण बनाते हैं और बराबर हैं, तो एकांतर कोण बनाने वाली भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। इस तर्क का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हमने इस विकर्ण के द्वारा चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुजों ABC और ACD में बांट लिया। तो हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD में देखेंगे। ACD में इन दोनों त्रिभुजों में दिया क्या है हमें? हमें दिया है कि AB और DC बराबर है। तो लिखे हम AB बराबर DC, ये दिया हुआ है, ये दिया गया है। और दूसरी चीज हमें दी गई है कि AD बराबर BC। पहले इसको लिखें BC को, BC बराबर AD। और तीसरी भुजा AC दोनों त्रिभुजों में उपस्थित है, तो हम लिख लें AC बराबर AC। ये तीन कथन हैं जिन पर आप गौर करें। पहले दो कथन भुजाओं से संबंधित हैं जो हमें दिए हुए हैं कि बराबर हैं। भुजा AB बराबर भुजा DC ये हमें दिया गया था। इसी त्रिभुज की भुजा BC भुजा AD के बराबर ये भी दिया हुआ था। और जो हमने रचना की थी AC की, वो दोनों त्रिभुजों में उपस्थित है, और इसलिए हम AC बराबर AC कह सकते हैं। तो इन तीनों कथनों के आधार पर आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसे लिख लें आप, दो कथन दिए हुए हैं और एक रचना से हमको मिला है। इन तीनों कथनों के आधार पर आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी ABC त्रिभुज
एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीडी के, एसीडी त्रिभुज एबीसी नीचे का त्रिभुज, सर्वांग सम है त्रिभुज एसीडी के या एडीसी के, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम होने की स्थिति में आप देखेंगे कि इनके संगत कोण बराबर हैं। तो आप इस कोण को जरा देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये रेखाएं एडी और बीसी को यदि तिर्यक रेखा एसी काट रही है तब ये एकांतर कोण के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। और यदि एकांतर कोण बराबर हैं तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये भुजाएं जो एकांतर कोण की रचना कर रही हैं वो आपस में समानांतर होंगी। तो हम लिखेंगे कि चूंकि सर्वांग सम त्रिभुज है तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे, तो ये कोण जिसे आप कोण डी ए सी पढ़ सकते हैं, चूंकि कोण डी ए सी, डी ए सी यानी ये वाला कोण बराबर है इस कोण के जिसे आप बी सी ए कह सकते हैं, कोण बी सी ए के, ये सर्वांग समता के गुण से हमें प्राप्त हुआ। और चूंकि ये दोनों कोण इस तिर्यक रेखा और रेखा बी सी और ए डी से निर्मित हो रहे हैं तो एकांतर कोण है ये, हम लिख लेंगे एकांतर कोण है और बराबर है तो इससे सिद्ध होगा कि जिन भुजाओं से इसकी रचना हो रही है यानी भुजा BC और भुजा AD समानांतर है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि AD समानांतर है BC के। ठीक इसी तरह आप देखिए इस कोण के बारे में हम बात करें और इस कोण को देखें तो पहले त्रिभुज का ये कोण दूसरे त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, इसे हम दो चाप से प्रदर्शित करें तो ये कोण इस कोण के बराबर है और ये इन दोनों रेखाओं को तिर्यक रेखा एसी काटने से निर्मित हो रहा है। और चूंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, एकांतर कोण है और बराबर हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि एबी और एबी समानांतर होगा डीसी के। तो फिर से इसे हम लिख लें कि पुनः चूंकि कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है इस कोण के जैसे आप डी सी ए कह सकते हैं, कोण डी सी ए के और ये बराबर एकांतर कोण है, समान एकांतर कोण है, तो अब लिख लें एकांतर कोण है और समान है, बराबर है, समान है, इसलिए इन्हें बनाने वाली जो भुजाएं हैं जिसे आप ए बी और डी सी कह सकते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ए बी समानांतर है डी सी के। तो आप देखिए पहली बार आपने प्रूफ किया कि ए डी समानांतर बी सी है, ए डी समानांतर बी सी है यानी ये वाली भुजा अपने सम्मुख भुजा इस भुजा बी सी के समानांतर है और यहां आप कह रहे हैं कि ए बी समानांतर है डी सी के, ए बी समानांतर है अपने सम्मुख भुजा DC के। तो आप देख पा रहे हैं कि इस चतुर्भुज ABCD में जो सम्मुख भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं और समानांतर चतुर्भुज की परिभाषा ये कहती है कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के जोड़े, दोनों जोड़े यदि आपस में समानांतर हैं तो वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। तो इन दोनों कथनों के आधार पर आप परिणाम में कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, यह आपका कथन सिद्ध हुआ। तो आपके पास दो चीजें मिल गई, आपने समानांतर चतुर्भुज की परिभाषा से पहले यह जान लिया था कि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है और अभी आपने पाया कि यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हैं, दोनों जोड़े यदि बराबर हैं, तुल्य हैं, तब भी वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है जो आगे कई जगहों पर हमारी मदद करेगा चतुर्भुज के संबंध में, समानांतर चतुर्भुज के संबंध में गुणों को समझने में और सिद्ध करने में।